के बीच एक दो दिन का समय है, सब लोग हम लोग मिल करके सहयोग करके इसको दूर भगाएं और फिर पहले की तरह हम लोग स्वस्थ हो जाएं। अधिकारी के बस का नहीं है, हमको आपको सबको लोगों को लग के और समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके इसे हम लोग निजात पाएंगे, वरना संभव नहीं है। तो सारे अधिकारी का भी हम लोग सहयोग हो, या अगर कोई भी अधिकारी ये अगर कोई ये समझे कि सिंगल एक अधिकारी के पास का, तो ये संभव नहीं है। इसमें हमको आपको सारे जनप्रतिनिधि को, क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनता सबको, जो सिंगल एक आदमी आता है उसको 21 दिन क्वारंटाइन करने के लिए 21 दिन का समय चाहिए होगा, और रोज कम से कम 100-150 की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। एक टीम रखा जाए कि जो यूपी की तरफ से लोग आते हैं उनका वहाँ जाँच करा करके और उनको उनके सेंटर पर भेज दिया जाए, और जो लोग बिहार से आते हैं गोपालगंज से बस के और एक चीज और हम लोग इस मीटिंग में रखते हैं, जैसे एक ही शिक्षक की ड्यूटी दिन में भी है और रात में, बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो ड्यूटी कर करके बीमार पड़ रहे हैं, तो जब अल्टरनेट ड्यूटी हो जाएगी तो अल्टरनेट ड्यूटी में एक हफ्ते उनको रिलीफ मिलेगा, एक हफ्ते उनको रिलीफ मिलेगा। अरे ये जो हम लोगों के बीच एक दो दिन का समय है, सब लोग हम लोग मिल करके सहयोग करके इसको दूर भगाएं और फिर पहले की तरह हम लोग स्वस्थ हो जाएं। अधिकारी के बस का नहीं है, हमको आपको सबको लोगों को लग के और समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके इसे हम लोग निजात पाएंगे, वरना संभव नहीं है। तो सारे अधिकारी का भी हम लोग और एक चीज और हम लोग इस मीटिंग में रखते हैं, जैसे एक ही शिक्षक की ड्यूटी दिन में भी है और रात का एक टीम रखा जाए कि जो यूपी की तरफ से लोग आते हैं उनका वहाँ जाँच करा करके और उनको उनके सेंटर पर भेज दिया जाए, और जो लोग बिहार से आते हैं गोपालगंज से बस के हो, या अगर कोई भी अधिकारी ये अगर कोई ये समझे कि सिंगल एक अधिकारी के पास का, तो ये संभव नहीं है। इसमें हमको आपको सारे जनप्रतिनिधि को, क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनता सबको, जो सिंगल एक आदमी आता है उसको 21 दिन क्वारंटाइन करने के लिए 21 दिन का समय चाहिए होगा, और रोज कम से कम 100-150 की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। अधिकारी के पास का नहीं है, हमको आपको सबको लोगों को लग के और समर्पित होना पड़ेगा, तभी जाके इसे हम लोग निजात पाएंगे, वरना संभव नहीं है। तो सारे अधिकारी का भी हम लोग सहयोग का एक टीम रखा जाए कि जो यूपी की तरफ से लोग आते हैं उनका वहाँ जांच करा करके और उनको उनके सेंटर पर भेज दिया जाए, और जो लोग बिहार से आते हैं गोपालगंज से बस के और एक चीज और हम लोग इस मीटिंग में रखते हैं, जैसे एक ही शिक्षक की ड्यूटी दिन में भी है और रात, बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो ड्यूटी कर करके बीमार पड़ रहे हैं, तो जब अल्टरनेट ड्यूटी हो जाएगी तो अल्टरनेट ड्यूटी में एक हफ्ते उनको रिलीफ मिलेगा, एक हफ्ते उनको रिलीफ मिलेगा।